हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपनी नानी के गांव में आ रखी हूँ, कुंडजोली गांव में। मैं क्यों आ रखी हूँ तो मम्मी बताएगी आप लोगों को। तो ये रही मम्मी। हाय, कैसे हो सब लोग। हम जा रहे हैं अपने गांव ग्योली। हमारा गांव पुराना ग्योली है और यहाँ भैरव की पूजा हो रही है, भैरव देवता की। हम जा रहे हैं भैरव देवता में और वहाँ देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने आपको बता दिया होगा, तो ये जो गांव है ये ऊपर की तरफ है हाइट में। तो हम लोगों ने पूरा अभी कच्चे रास्ते में जाना है, तो मैं आप लोगों को पूरा रास्ता भी दिखाऊंगी। तो देखते हैं आज वहाँ क्या क्या है। तो मैं यहाँ इसलिए आ रखी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बता ही देती हूँ कि इतना बड़ा सस्पेंस नहीं छोड़ते। तो चलते हैं, रास्ता दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग जा रहे हैं गिवेली गांव में, जो हमारे गांव का नाम है वो है कुंडजोली। गिवेली गांव भी हमारा ही है, मतलब मेरी मम्मी लोगों का जो पुराना घर है वो पहले वहीं था। तो मैं आप लोगों को मेरी मम्मी लोगों का जो पुराना घर है वो भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं। ये बहुत ही पुराना पुल है, ये मतलब जब हम छोटे थे उस टाइम का है। और हम लोगों ने ना ऊपर जाना है एकदम हाइट में, क्योंकि जो वो गाँव है ऊपर की तरफ है। और आगे ना मेरे मामा भी चल रहे हैं हमारे साथ, मामा भी आएंगे। जो भी फंक्शन होगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमको भी नहीं पता अच्छे से कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, इस वजह से। तो देख सकते हैं आप लोग, चलते हैं। मम्मी लोग दूसरे वाले रास्ते जा रहे, दो रास्ते, एक रास्ता आगे से एक इधर से। तो चलते हैं। और बहुत तेज गर्मी भी हो रही है, तो आप तो फिलहाल यहाँ नज़ारे देख लीजिए। तो ऐसे रास्ते रहते हैं ना गाँव के। चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बट रात के समय हम लोगों ने ना यहाँ रजाई ओढ़ रखी थी। आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, रजाई और कोटद्वार में हम लोगों ने कूलर ऑन कर रखा है। तो आप लोग देख ही सकते गांव में कितनी ठंड है। तो चलते हैं, अभी तो हाइट में जाना है। अगर किसी को अपना वजन कम करना है ना, तो मेरी बात सच में मानो, आप लोग गाँव आ जाओ। सही में गाँव में अगर आप 15 दिन या 1 महीने भी ऊपर नीचे करोगे ना, वजन आराम से घट जाएगा। चलो 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 चलो, मैं आप लोगों को फिर से रास्ता दिखाती हूँ। हम लोगों ने इतनी हाइट में जाना है, तो चलते हैं। ये रास्ता, और मम्मी ऋषि बात करते करते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है ऊपर चढ़ के? बहुत ऊपर चढ़ के तेल निकल गए, तेल पसीना। हाँ, हम लोग इतनी हाइट में आ गए और ये रहे मामा। क्या हुआ ऋषि, वजन घट गया? बढ़ेगा। हाँ, अरे रामदा बेचारी ऋषि का वजन, मैं तो हाँफ रही हूँ फ्रेंड्स। इतनी हाइट में हम लोग आ गए, व्यू देखो आप लोग गांव का। तो चलते हैं। थक लग गई गाय, सांस फूल गई। वैसे रहते हम यहाँ पर कुंडजोली में, वहाँ हमने जमीन खरीदी थी तब मकान रहते। अब वैसे हमारा पुराना गांव यही है ग्योली, जहाँ हम जा रहे हैं। मम्मी का बचपन वहीं पूरा गुजरा है वही। हाँ, तो हमने बाद में नया मकान लगाया। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने मकान भी बताएंगे आपको। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मम्मी का जो पुराना घर है वो वहीं था ग्योली, मतलब मम्मी वहीं हो रखी है, बट फिर बाद में कुंडजोली बना दिया था। तो चलते हैं। मम्मी बोरी मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, वो तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोग गांव पहुंच जाएंगे तब मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है इस वजह से। तो मिलता है थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग इतना लंबा सफ़र करके आ गए हैं पैदल पैदल। तो आप लोगों को घर दिख रहे होंगे पीछे की तरफ से, वो तो वो है मेरी मम्मी का जो पुराना घर है, पुराना गांव गिवेली गांव। तो आज वहाँ भैरव देवता के आप जो भी फंक्शन होंगे, कुछ भी होगा, मैं आप लोगों को दिखाने का पूरा ट्राई करूँगी। पहले हम लोग पूछेंगे आज है क्या, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलो मैं आप लोगों को अब गाँव दिखाती हूँ।
आप लोग घर देख रहे होंगे वैसे तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आगे ना मेरी मम्मी लोगों का पुराना घर भी दिखाऊंगी और गांव भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे कितना खेती, मम्मी ऊपर आवाज आ रही होगी पूजा को, मम्मी अभी लोग खेती नहीं करते क्या? पूरी खेती होती थी, हमने पूरा खेत का रखा था, देख रहे पूरा बंजर कर रखा है। हाँ, गाँव में कोई है ही नहीं, तो पहले आप मम्मी लोग ना खेती करते थे और आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी, तो जो भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, तो ये घर दिख रहे होंगे, तो चलते हैं। अभी काफी दूर है ना गांव, कटोरे के कांटे ही कांटे दिखा रही मम्मी, देख कितनी प्यारी बटरफ्लाई, देखो। तो चलते हैं अब। तो रहा मेरी मम्मी लोगों का गांव, इस साइड भी किसी ने खेती बाड़ी नहीं कर रखी है, कुछ नहीं, पूरा बंजर पड़ रखा है गांव में, कोई है ही नहीं गांव में, मम्मी कह रही कोई लोग ही नहीं है, चार आदमी है। हाँ भाई, तो आना चाहिए लोगों को गांव में, और मैं तो जाती रहती हूँ गांव, आप लोग ब्लॉक आते रहते हैं गांव में। अब एक साल में भैरों की पूजा हो रही है पूरे गांव में, ये थी मैं ये कह रही हूँ, अब साल भर में भैरों देवता की पूजा होती है। हाँ, जैसे हम लोग आ रखे हैं आज यहाँ, सब लोगों को बुला के थोड़ा आना जाना रहेगा गाँव में, मिलना हो जाता है साल भर में, एक बार मिलना भी हो जाता है भगवान जी के भी उसमें, इस वजह से। तो देखते आज क्या प्रोग्राम होगा यहाँ, और ये रहा गांव, ये पहला मकान ये रहा, और बाकी जो घर है ऊपर है। तो चलते हैं आप गांव का नज़ारा देख लीजिए, मम्मी लोग भी आ चुके हैं अब, चलो चलो उर्वशी। तो हम इतना हाइट में आ गए, बस अब हम लोग जाएंगे ऊपर एक गांव में, चलो। क्या कर रही हो? थक लग गई ना, उस वजह से। यहाँ पे गौशाला थी, साफ हो गई। अरे लग भी नहीं देखी कोई गौशाला रही होगी पहले यहाँ पे। था ये तो मंजिला गौशाला थी यहाँ पे। अब क्या हाल हो चुका है गांव का, और ये पुराने मकान है, सब बंजर हो गए घर। मुंडा फुटता भी है। तो चलते हैं, मम्मी का पुराना घर आने वाला है। ओ, कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पहले के जो मकान थे तो इस तरह के दिखते थे, बट अपना लोग आते ही नहीं अपने घर में। ऐसे तो बनते थे। हाँ, इन पुराने पत्थरों से। अरे मजबूत पत्थर। हाँ, मेरी मम्मी लोगों का ना गौशाला है, घर आपको थोड़ी देर के बाद में बता दूंगी। बहुत पुराना पेड़ है, 50-60-70 साल हो गए इसको। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मम्मी लोग चबूतरे का जो पेड़ है, और वहाँ पे ना एक लग भी रखा है छोटा सा। और ये रही पुरानी गौशाला, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरी मम्मी का पुराना घर। ये है हमारा घर, दो कमरे हैं अंदर बाहर। ये चौक था। तो यहाँ पूरा घास हो चुका है, मम्मी का बचपन इसी घर में गुजर रखा है। अब घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और नीचे की तरफ भी है ना मम्मी कमरे, तो नीचे की तरफ भी मम्मी लोगों के कमरे हैं। तो चलते हैं इस रास्ते। तो ये ना मम्मी लोगों का दुमंजिला घर था मम्मी लोगों का ना, तो नीचे की तरफ तो दो कमरे हैं, बट अब खोलने के लायक भी नहीं है, ये खुलेंगे भी नहीं है। चलो, डर लग रही है हम लोगों को, तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले कमरे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। उर्वशी बोली कि हम मेरे को छोड़ दिया, किधर जाने, चलो चलो पहले हम घर दिखा रहे हैं। ओ, तो देख लिया है। तो चलते हैं अंदर, अंधेरा हो रखा है, तो चलते हैं। मामा बैठ रखे हैं यहाँ पे, और ये रहा मम्मी लोगों का जो पुराना घर था, पुराना मातृभूमि है, मातृ जन्मभूमि है मेरी माँ की, ये हमारी अलमारी है, मेरे दादा की। इसी मकान से सबकी उत्पत्ति हो रखी है। तो मम्मी कुछ दिखा रही है, ये पुरानी अलमारी है, ऐसी पड़ी है,
एकदम वैसी लग रही है, एकदम मजबूत। तो अंदर से तो ऐसा हाल हो चुका है अलमारी का। तो चलते हैं आगे के कमरों में। तो पहले मामा जी वो नहीं होते थे ना, सीमेंटेड नहीं होते थे पहले, सीमेंट नहीं लकड़ी के ही मकान होते थे। हाँ, पूर्वज इसी पे रहते थे। हाँ, सभी लोग और रहने लायक। और इसमें गर्मियों में ठंड होती है और सर्दियों में गर्म होती है। ये एक प्रकार का एसी रूम कहा जाता है इसको। आराम से सर पे लग गए गाइस इससे। और इसमें हाइट थोड़ी छोटी रहती है ना पहले के गेट की, तो मेरे यहाँ पे बार बार सर लग जा रहा है। तो इस बार मेरे सर ऐसे रहते थे। हाँ, पहले घर छोटे हाइट के होते थे ना। ये मेरे को पिनस भी मिल रखा है। तो पहले के जमाने में ना ऐसे होते थे पिनस। हाँ, मम्मी बता रही कि क्या क्या काम आता है। जैसे कोई इंसान नहीं ले जा पाता था ना, तो इसमें बैठ के जाते थे। इस तरीके का है ये। तो ये रहा मम्मी का पुराना घर, बल्ली बीच में सपोर्ट के लिए। बल्ली? हाँ, मम्मी बल्ली दिखा रही है। अब बिम पढ़ते हैं, अब पहले बल्ली पढ़ते थे। कितना मजबूत है ये। हाँ, अभी तक वैसी का वैसी है। एक बार लात मार के चेक कर। नहीं गिरेगा। रोशि का मत कर, इसको देखना। तो आप लोगों ने देख दिया होगा। और आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देख दिया होगा मेरी मम्मी लोगों का जो पुराना घर था और पुरानी छन्नी थी वो दिखाया मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग।